सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, हीट, टेम्परेचर। इसकी सिर्फ रिकैपिटुलेशन है बिकॉज ये हीट, टेम्परेचर और ये जो है आपके पास हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये रिकैप्चुलेट करने हैं बिकॉज ये सिलेबस से डिलीटेड हो चुके हैं, इनको बस आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता है दूसरे लिक्विड से, और इसीलिए जो डल लेक है कश्मीर में, जो डल लेक है उसकी जो ऊपरी जो सतह है वो जम जाती है, लेकिन जो उसके अंदर की इनर जो सरफेस है वो नहीं फ्रीज होती, ठीक है। और यही तो, यही जो बिहेवियर है वाटर का, यही तो एक्वेटिक लाइफ को बचाता है, क्योंकि अगर ऊपर से भी झील जम जाएगी और नीचे से भी झील जम जाएगी तो फिर तो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट्स मर जाएंगे, तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये जो एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है ये बहुत जरूरी है एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मल फिजिक्स कंटेंट, सबसे पहले हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एनमलस एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी सीवी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन्स एंड स्टीफन्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक तवा है, तवे पे आप जब हाथ लगाते हो, गर्म है ऑफ कोर्स वो, तो उस पे आपको एक सेंसेशन फील होती है। अगर वो गर्म है तो आपको एकदम से, आप अपना हाथ हटा लो, कई बार कोई भी गर्म सरफेस होती है आप उसको एकदम से टच करो तो एकदम से आपने हाथ डालोगे, तो वो सेंसेशन। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। कोई भी गर्म चीज है जब आप उसको एकदम से हाथ लगाओगे, या इवन होता है ना, जैसे सर्दियां होती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो कई बार हम जो मेटल की चीजें होती है उनको हाथ लगाने से बचते हैं। इवन जैसे आपके दरवाजों का जो नोब होता है, वो होटल्स में होता है ना, वो नोब होता है घुमाने वाला जो नोब होता है जिसे हम दरवाजा खोलते हैं, हम उसको भी नहीं पकड़ते। और इवन जब दरवाजा खोलने के लिए जो हिंजिस लगे होते हैं या जो हैंडल लगा होता है, हम उसको नहीं पकड़ते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। सर्दियों की बात कर रहा हूं मैं ऐसा। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ओके, जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करे, ठीक है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ इट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो हीट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है, ठीक है। आपने 10th में चैप्टर पढ़ा होगा ऑलरेडी, नेचुरल रिसोर्सेज, तो वहां पर हमने एक पढ़ी थी ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी। तो वो क्या होती है कि जो सरफेस होती है, टॉप जो सी होता है, सी की जो टॉप सरफेस होती है उसका टेम्परेचर और जो बहुत नीचे वाली सरफेस होती है उसका टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है। तो वहां पे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहां पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा वहां पर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और हमेशा कहां से कहां चलती है, हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट भी चल सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं आ पाए। ये हम आगे एक और चैप्टर पढ़ेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स, तब हम उसमें बताएंगे, ठीक है। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस भी आ सकता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर बेसिकली एक कंडीशन है जो कि ये बताती है कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है,
अब ऑफ कोर्स ये आप सभी को पता है कि अगर आप एक कोई भी एक गिलास है, मेटल का गिलास है, उसमें आपने ठंडा पानी डाला और एक गिलास में आपने गर्म पानी डाला और उन दोनों को आपने इकट्ठा रख दिया, तो हीट ट्रांसफर होगी हॉट से कोल्ड में, ठीक है, और तब तक ट्रांसफर होते रहेगी जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, जब तक उन दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ना हो जाए, ठीक है। वेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, हीट एनर्जी की जूल, टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो ध्यान रखना टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, हमेशा हम केल्विन में लेते हैं, और जूल एनर्जी की, क्योंकि हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ज्यादातर जो हमारे हम जो डे लाइफ में जो यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। जब आपका टेम्परेचर देखना हो तो आप केल्विन में नहीं देखते, आप डिग्री सेल्सियस में देखते हो। जब आपको वेदर देखना हो तो आप केल्विन में नहीं देखते, आप डिग्री सेल्सियस देखते हो कि आज कितना डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए, अलग अलग स्केल बनाए गए, ठीक है, जो कि है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, ठीक है। तो बेसिकली आपने र्यूमर को तो नहीं पढ़ना इतना, बट यहां पर है तो आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट मेन ये तीन है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं, आप अगर देखो अपने मोबाइल में आपको डेली का टेम्परेचर दिखता है तो वो फ़ारेनहाइट में आता है, मोबाइल में देखोगे डिग्री सेल्सियस में भी होगा, फ़ारेनहाइट में भी आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल और इनमें क्या क्या फर्क है, देखो ध्यान से रखो, कोई भी जो स्केल है वो दो पॉइंट पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लिया गया है 0 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया है 100, फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 और बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट में 212, र्यूमर में 0 और 80, 80, एब्सोल्यूट स्केल में 273, मतलब इसको 273.15 केल्विन और इधर 373.15 केल्विन। अब ध्यान रखना है यहां पर इसके अंदर 100 डिविजन्स होती हैं, जो सेल्सियस स्केल है उसमें ऐसे डिविजन्स क्या होता है, स्केल होता है, स्केल में ऐसे होता है ना, यहाँ पे 0 है मान लो, फिर 1 2 3 4 5, ये पांचवी लाइन हो गई, 0.5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये 1 हो गया, ठीक है, ऐसे इसे कहते हैं डिविजन्स। इसमें 0 से लेके 1 तक कितनी डिविजन्स है, 10 डिविजन है ना, तो ऐसे ही सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन है और हर एक डिविजन की वैल्यू कितनी होगी, 1, हर एक डिविजन की वैल्यू कितनी होगी, 1। फ़ारेनहाइट में कितने हो गए, 212 माइनस 32, इसमें 180 डिविजन होते हैं, इसमें 180 डिवीजन होते हैं फ़ारेनहाइट में, इसमें 80 डिवीजन होते हैं र्यूमर में, और इसमें 100 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चार स्केल हैं। अच्छा, ये कई बार क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार आता है, केल्विन का हो गया, ध्यान रखना ये सी सेल्सियस स्केल के लिए, एफ फ़ारेनहाइट के लिए, आर र्यूमर के लिए, और अगर आप इसके लिए चाहोगे केल्विन के लिए तो के माइनस, इसको हमने 273 मान लेते हैं थोड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अपॉन 373 माइनस 273, तो हम एक जनरल फॉर्मूला डालेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहला आया सी अपॉन 100, क्योंकि C माइनस 0, 100 माइनस 0 कुछ नहीं है, ठीक है, F माइनस 32, 212 माइनस 32 कितने हो गए, 180, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ये आता है कई बार क्वेश्चन, R 80 है ना, 80 माइनस 0 80,
और ये कितना हो गया, के माइनस 273 अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सबको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 बाय 100 1/5, तो सी बाय 5। ये और भी छोटा फॉर्मूला याद रखने के लिए, एफ माइनस 32, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9, ठीक है, और आर बाय 100 आर बाय 4, और के माइनस 273 अपॉन 5। तो ये फॉर्मूला बन गया, आप ये नोटबुक में नोट कर लो चाहे, ठीक है, ये शॉर्टकट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसमें, इज दैट क्लियर, सभी ने लिख लिया ये। सी अपॉन 5 सेल्सियस के लिए इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू आर बाय 4 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाय 5। सभी लिख लो इसको साथ साथ, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं साथ साथ ही। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कन्वर्ट 100, सॉरी कन्वर्ट 87, सॉरी 80 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू आर बाय 4 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5, ये बताया था ना आपको। तो अब क्या करोगे, अब हमें कौन से दो स्केल करने हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला उठा लोगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। जो भी दो स्केल है उन दोनों को लिख लेंगे, केल्विन वाला होता तो यहां पे लिखते हम सी अपॉन 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। अब क्या सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो सी की जगह लिख लेंगे 80, एफ माइनस 32 अपॉन 9, तो 80 अपॉन 5 कितना आ गया, 16 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एफ माइनस 32, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 32, तो इज इक्वल टू एफ, ये कितना आ गया, 6716, कितना आ गया, 176 आ गया एफ की वैल्यू, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करने। और अगर आपको एफ की वैल्यू दी होती सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता तो आप एफ की वैल्यू, एफ की जगह वैल्यू पुट कर देते और फिर सी निकाल लेते, ऐसे करने हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। अब ये हमें पता है क्लियरली कि जब हम एक बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। जो लोहार होता है, जो लोहार होता है ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो क्या करता है, उसको हीट करता है स्टील की रोड को और उसका आकार चेंज कर देता है, उसके शेप चेंज कर देता है ना, कैसे भी शेप में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो यही बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड इट एक्सपेंड्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसका रीजन क्या है इसके, इन अ सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन ओनली हैव थर्मल एजिएशन रैंडम वाइब्रेशन एज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाइब्रेशन बहुत तेजी से होने लग जाता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी से मूव करने शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रेट ऑफ कोलिजन अमंग नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, इट डेवलप्स अ थर्मल स्ट्रेस, जिसकी वजह से एक थर्मल स्ट्रेस उस बॉडी पे आ जाता है, जिसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग है वो चेंज हो जाती है, वो बढ़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स द एटम इन अ सॉलिड ऑसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो एटम्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो ऑसिलेट करते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पे इतनी एम्पलीट्यूड के साथ, ये 10 की पावर माइनस सॉरी 10 की पावर 11 के साथ, ठीक है, मीटर। द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इज दिस 10 की पावर 10 मीटर।
एज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एटम्स ऑसिलेट करना शुरू करते हैं इससे भी ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, जिससे उनकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाती है, स्पेसिंग बढ़ने से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, जो थर्मल वाइब्रेशन है एनर्जी बढ़ जाती है मोलिक्यूल्स की, रेट ऑफ कोलिजन, जब एनर्जी बढ़ेगी, जब आप गाड़ी बहुत तेजी से चलाओगे तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, जब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो उनके बीच की जो एटम के बीच की जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी, और जब सेपरेशन बढ़ गई तो जो सॉलिड है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो गई तो हम क्या बोलेंगे उसे, थर्मल एक्सपेंशन। और ये शेप चेंज हुई क्यों, क्योंकि हमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन हाँ ऑफकोर्स इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। आपको पता है कि जो लोहार भी होता है वो तभी हथौड़ा मारता है जब वो बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हॉट, और अलग अलग तरह से रहता है, और जब वो लोहा या कोई भी मेटल पूरा गर्म हो जाता है तो वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट जब होता है तभी वो हथौड़ा मारता है, ऐसे नहीं कि वो अभी गर्म हुआ भी नहीं और तुम हथौड़ा मार दोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। इसकी तीन कैटेगरीज हैं, लीनियर, बेसिकली अगर हम देखें इसको, लीनियर का मतलब वन डायमेंशनल, सुपरफिशियल टू डायमेंशनल मतलब एरिया में चेंज, क्यूबिकल थ्री डायमेंशनल मतलब वॉल्यूम में चेंज। अगर सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर एरिया में चेंज आ रहा है तो सुपरफिशियल, और अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो क्यूबिकल लीनियर एक्सपेंशन। एक रोड हमने ले ली जिसकी लेंथ है L1, T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, और हमने उसको हीट कर दिया T2 टेम्परेचर तक, ठीक है। अब हमने मान लिया कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, ऑफकोर्स ये तो पता है कि सॉलिड्स की जो लेंथ है वो बढ़ती है जब हम उनको हीट करते हैं, तो T1 टेम्परेचर पे L1 लेंथ थी, T2 टेम्परेचर पे मान लो L2 लेंथ है। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, ये जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। डेल्टा एल है क्या, L2 - L1, डेल्टा एल है क्या, L2 - L1, ठीक है। तो अब ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो डेल्टा एल है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी जो पहले वाली जो लेंथ थी, ओरिजिनल जो लेंथ थी वो क्या थी, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपने जो टेम्परेचर जो बढ़ाया है डेल्टा टी, वो कितना ज्यादा बढ़ाया है, वो कितना ज्यादा बढ़ाया आपने, ठीक है। तो यहां पे हम एक एक्सपेंशन करते हैं। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे, L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने क्या लिखा, L2 - L1, L2 - L1 किसके इक्वल है, अगेन मेरा इसको लिख देता हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू L2 - L1, और उसी तरीके से डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1। डेल्टा वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, चेंज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर जो सिंबल है अल्फा, यहां पर है ये कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दी, L2 - L1 / L1 डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे आपने यहां से अल्फा की डेफिनेशन बनानी है, तो जब भी डेफिनेशन बनानी है क्या काम करना है आपको, जो डिनोमिनेटर है उसको वन पुट कर दो। डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, वन पुट करना पड़ेगा। L1 क्या है, लेंथ है, डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे लिखा हुआ है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। डिनोमिनेटर को हमने वन पुट कर दिया, और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट सुपरफिशियल ऐसे ही करेंगे। अब हमने मान लिया कि T1 टेम्परेचर पे A1 एरिया था, T2 टेम्परेचर पे A2 एरिया था। सिमिलरली इंक्रीज इन एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल एरिया कितना था और चेंज इन टेम्परेचर कितना था। तो इन दोनों को रख दिया हमने ऐसे और सॉल्व कर दिया, सेम आएगी, लेकिन यहां पर हम जो इसको है बीटा, यहां पर हम बीटा लेंगे, ठीक है। लीनियर के लिए अल्फा लिया, सुपरफिशियल के लिए बीटा लिया, और क्यूबिकल के लिए हम गामा लेंगे, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बिल्कुल सेम चीज है, ओके। वॉल्यूम सेम ऐसे ही,
हमने मान लिया कि T1 टेम्परेचर पे V1 वॉल्यूम था, T2 टेम्परेचर पे V2 वॉल्यूम था। तो सिंपल सी बात है कि अगर लेंथ में चेंज आएगा तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर एरिया में चेंज आया तो सुपरफिशियल, और अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। यूनिट तीनों की सेम है। अच्छा, यहाँ पे अगर रिलेशन देखे, ये रिलेशनशिप है अल्फा बीटा और गामा में, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय टू इज इक्वल टू गामा बाय थ्री। अब ये कुछ वैल्यूज है, ये कुछ वैल्यूज है अल्फा की, लीनियर एक्सपेंशन की। सबसे ज्यादा देखो किसके लिए है, एल्युमिनियम के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए है, एल्युमिनियम के लिए। तो एल्युमिनियम की शेप सबसे ज्यादा चेंज हो सकती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें भी एल्युमिनियम सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है मैट टेम्परेचर के साथ। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है थर्मल एक्सपेंशन की। सबसे पहले जब हम एक रेलवे लाइन बिछाते हैं तो एक स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स। आपने देखा होगा ऐसे, यहां पर हमने वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना रेलवे लाइंस का, यहां पर वो वुड के नीचे वो लगे होते हैं और उसके ऊपर रेल की पटरी बिछाई जाती है। एक तो पहली बात ये कि हम रेल की पटरी को डायरेक्ट जमीन पे क्यों नहीं बिछा देते, क्यों हमें नीचे गुड़ के जो फट्टे हैं वो लगाने पड़ते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं? बिकॉज अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो उसका जो एरिया है इनका कम है, एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो वहां से जमीन धस सकती है, ठीक है। तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो कह रहा है कि ये जो गैप है ये क्यों देते हैं, गैप इसलिए देते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, बिकॉज जब एक इतनी ज्यादा हैवी लोड की जब गाड़ी उसमें से जाएगी तो वहां पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से ये जो ये मेटल की बनी होती है ऑफ कोर्स, तो इसमें एक्सपेंशन होगी, जो एक्सपेंशन होगी अगर इनके बीच में गैप नहीं होगा तो ये एक दूसरे को ओवरकम कर सकते हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द गेडर्स यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस। जब हम गेडर्स लगाते हैं ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए तो उनके बीच में स्पेस दिया जाता है, बिकॉज अगेन आई एम स्पीकिंग विथ चेंज इन वेदर, गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। उसी तरीके से आयरन रिम टू बी पुट ऑन कार्ट व्हील इज ऑलवेज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ व्हील। व्हील के डायमीटर से हमेशा कम होता है आयरन व्हील का डायमीटर, ठीक है। अच्छा, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई पेंडुलम्स आर मेड अप ऑफ इनवर मटेरियल। पेंडुलम सभी को पता है, इसमें एक मटेरियल है इनवर मटेरियल, इसका क्यों बनता है, इसी मटेरियल का क्यों बनता है। कैन एनीवन आंसर मी, टेक योर टाइम, टर्न ऑन योर माइक एंड जस्ट आंसर मी, व्हाई पेंडुलम्स आर मेड अप ऑफ इनवर मटेरियल। ये इनवर एक मटेरियल है, एलॉय है बेसिकली, इसका क्यों बनता है। इसका रीजन ये है, देखो, सो दैट द क्लॉक कीप करेक्ट टाइम। ये जो इनवर मटेरियल है, इनवर, ठीक है, इस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम है इसका एक्सपेंशन। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सब में इनवर का थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम है। तो मतलब इस पर टेम्परेचर के चेंज होने का सबसे कम इफेक्ट पड़ता है, और कम इफेक्ट पड़ेगा तभी तो ये करेक्ट टाइम दिखाएगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वेदर गर्म हो, हॉट हो, कोल्ड हो, इसके थर्मल एक्सपेंशन पे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो फर्क नहीं पड़ता तो ये जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से घूमता रहेगा, इज दैट क्लियर। तो इसीलिए इनवर मटेरियल का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हमने बात की सॉलिड्स की ना, अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की। फॉर हीटिंग अ लिक्विड इट हैज टू बी टेकन इन अ कंटेनर। अगर हमें किसी लिक्विड को हीट करना है तो हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, हमें उसे कंटेनर में हीट करना पड़ेगा। तो व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इन द कंटेनर इट ऑल्सो एक्सपेंड्स। अब वो कंटेनर जो होगा वो तो ऑफकोर्स किसी मेटेरियल का बना होगा, या तो एलोए का बना होगा या एल्यूमिनियम के मेटल का बना होगा। सो द ऑब्जर्व एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। अब आपको पता है, अब आप हीट कर रहे हो, मान लो आप कुछ भी हीट कर रहे हो और बीच में एक कंटेनर आ गया, एक सॉलिड आ गया और उसके अंदर लिक्विड है,
उसके अंदर लिक्विड है, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि जो हमें जो लिक्विड में जो एक्सपेंशन दिखाई देगा वो डिफरेंट होगा जो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, बिकॉज यहाँ पे जो हीट है वो खर्च हो रही है पहले कंटेनर को गर्म करने में, तो पहले तो वो कंटेनर एक्सपेंड करेगा, बिकॉज लिक्विड और उस हीट के बीच में क्या है, कंटेनर है, तो कंटेनर किसी मटेरियल का बना होगा, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं, अपेरेंट और रियल। कोफिशियंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस। रियल इंक्रीज, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए रियल, क्योंकि जब हम अपेरेंट की बात करेंगे तो उसमें टोटल आएगा कंटेनर का वॉल्यूम का इंक्रीज प्लस लिक्विड के वॉल्यूम का इंक्रीज, ठीक है। और जब हम बात करेंगे अपेरेंट की, तो कोफिशियंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, अपेरेंट जो हमें दिख रहा है टोटल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो जो रियल एक्सपेंशन है वो है गामा ए प्लस गामा बी, यहां पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसीलिए हम गामा ले रहे हैं, ध्यान रखना यहां पर। लिक्विड के अंदर लेंथ और एरिया इंक्रीज नहीं होता, लिक्विड के अंदर हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो लिक्विड के अंदर एक ही तरह की एक्सपेंशन है वो है क्यूबिकल, जबकि सोलिड के अंदर लीनियर भी है, एरियल भी, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग भी है, सुपरफिशियल भी और क्यूबिकल भी है, लेकिन लिक्विड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट एनमलस एक्सपेंशन, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार दोबारा थोड़ा बता देता हूं। वाटर एग्जिबिट्स एन एनमलस बिहेवियर, मतलब जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब में वाटर का बिहेवियर एक्सेप्शनल है, सबसे अलग है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, ये हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि जितने भी लिक्विड हैं जब उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, ये उल्टा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन हाँ इसकी ये ऐसा नहीं कि हर जगह ही डिफरेंट बिहेवियर करता है, ये एक पर्टिकुलर रेंज है इसकी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यहां पे ये अलग से बिहेव करता है, यहां से ये अलग से बिहेव करता है कि ज्यादातर जो लिक्विड हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, लेकिन जो वाटर है वो इस पर्टिकुलर रेंज में 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि इसे एक्सपेंड होना चाहिए था, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, इट इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस, और ये ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, ठीक है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड देयर फोर द डेंसिटी डिक्रीजेस, दिस मीन्स वाटर हैज अ डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, दिस प्रॉपर्टी हैज एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, और इस बार आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने वाला होता है कि व्हाट इज एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, हाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट एन एनवायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि जो डल लेक है उसकी ऊपर की सतह जम जाती है, लेकिन जो नीचे की सतह है वो नहीं जमती ड्यू टू एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बची रहती है। हाउ एवर वंस द कोल्डर वाटर ऑन टॉप रीचेस टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स लेस डेंस एंड रिमेन्स एट द सर्फेस वेयर इट फ्रीजेस, ओके। इफ वाटर डिड नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली अगर वाटर की ये प्रॉपर्टी ना होती तो एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाती। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट हमें किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, यूनिट मास की अगर हम बात करें कि 1 किलोग्राम मान लो या 1 ग्राम, यूनिट का मतलब है 1, यूनिट मास 1 ग्राम भी ले सकते हो और 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये आपने ऑलरेडी शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, ये इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, स्मॉल सी इज इक्वल टू 1 बाय एम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा
टी, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। इफ डेल्टा क्यू हीट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ मास बाय एम बाय डेल्टा टी, ठीक है, देन सी वन बाय सी, दिस इज द फॉर्मूला। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी पर केल्विन, हीट इज सो फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन कैलोरीज, देयरफॉर प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरीज। आप देख सकते हो हम कभी भी ये नहीं बोलते जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आपकी घड़ियां ले लो जो आपकी आजकल फिटनेस वॉचेज आ रही हैं, क्या उसमें कहीं जूल यूज करते हैं? नहीं यूज करते। आप जब कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो या जब कोई खाना खाते हो तो उसके पीछे क्या लिखा होता है? कैलरीज लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलरीज है, कहीं भी जूल लिखा नहीं। तो हम ज्यादातर जो हम हीट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है कैलरी, ना कि जूल, ठीक है। हम यही बोलते हैं ना कि इतनी कैलरीज बर्न की हमने आज। मोलर स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा अलग है, बस वहां यहां पर हम मास की बात करें, स्पेसिफिक हीट में हम करेंगे मास की बात, यूनिट मास की बात, यहां पर हम बात करेंगे मोल की बात, वन मोल। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पे एम की जगह आ जाएगा म्यू, ऐसा यूनिट इज दिस। अब हीट कैपेसिटी, अच्छा ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में। स्पेसिफिक हीट में एक पर्टिकुलर मास, स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास, और हीट कैपेसिटी में पूरी बॉडी का हम रेस करते हैं टेम्परेचर। स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिक का मतलब जैसे कि पूरी क्लास है उसमें से मैं पर्टिकुलरली एक बच्चे को बोलूं कि हाँ मुझे इसी बच्चे को पढ़ाना है या इसी बच्चे को मतलब सब कुछ सिखाना है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। और अगर मैं ये बोलूं नहीं मुझे इस पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो वो टोटल हो गया, मतलब एक जनरल इफेक्ट हो गया वो सबके लिए। तो हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी के लिए है और स्पेसिफिक उस बॉडी के एक पर्टिकुलर हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी का टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एम सी, यहां पर मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट। वाटर इक्विवेलेंट, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच एब्जॉर्ब्स और एमिट्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट डन बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इट इज नोटेड बाय सिंबल डब्ल्यू। अब यहां पर ध्यान दो, स्पेसिफिक हीट आइस वाटर स्टीम, ये तीन स्टेट हैं वाटर की, तीन स्टेट है सॉलिड लिक्विड और गैस। नेक्स्ट लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर एट अ कॉन्स्टेंट हीट, ठीक है। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, ओके। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का मतलब हम ये है कि जितनी हमें हीट चाहिए ताकि हम एक यूनिट मास ऑफ बॉडी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सके। मतलब आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आगे बढ़ोगे इसमें बहुत सारी चीजें, फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, आप पढ़ा है आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। हमारे पास तीन है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो आपने सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो फ्यूजन होगा, लिक्विड को अगर आपने गैस में कन्वर्ट करना है तो वेपराइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम पेपर में आया था, ये कैलोरीमिट्री, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कैलोरीमिट्री में। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड, जब हम गर्म पानी है उसमें हम ठंडा पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाता है उसको साथ साथ हिलाना। सूप, इसका एग्जाम्पल है सूप, सूप बहुत गर्म होता है, तो हम गर्म होता है तो हम उसको क्या करते हैं, लगातार हम उसको मिक्स करते रहते हैं ताकि जो उसकी हीट है वो बाहर निकलती है।
ठीक है, तो ऐसे ही बोल रहा है कि जब दो बॉडीज हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, आर मिक्स्ड, जब उन दोनों को मिक्स करते हैं, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हाईर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल, और कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर लेते। ठीक है, जो बॉडी हाईर टेम्परेचर पे है वो हीट लूज करेगी और जो बॉडी लो टेम्परेचर पे है वो हीट गेन करेगी। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है कैलोरीमीटर का, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंसिक्वेंसेस, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कैन नेवर बी लेसर देन लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हम किसी भी बॉडी को बेसिकली जो ठंडी बॉडी है ठीक है उससे कम टेम्परेचर पे नहीं हम उसको इतना कूल कर सकते। ठीक है, और अगर हमें करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, एक मशीन चाहिए जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, हम अपने आप पानी को इतना ठंडा नहीं कर सकते कि वो फ्रीज हो जाए जब तक बाहर का टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं हो। व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस द बॉडी रिलीजेस हीट इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स एंड एब्जॉर्ब्स हीट व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस। द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी ऑफ मास एम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हीट ट्रांसफर मैंने आपको बताया, इसका सिर्फ ये सिलेबस डिलीट हो चुका है लेकिन फिर भी सिर्फ हमें रिकैप्चुलेट करने हैं। तो तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन इट इज द प्रोसेस, बेसिकली कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक ही फर्क है, कंडक्शन में भी हीट ट्रांसफर हो रही है, कन्वेक्शन में भी हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हीट वन एंड ऑफ अ कॉपर रोड, अगर हम कॉपर रोड ले और उसके एक एंड को अगर हम गर्म कर दें तो दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाएगा। आप गर्म पानी में अगर चम्मच रखोगे, चम्मच का एक सिरा पानी के अंदर है, दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी गुड, लिक्विड एंड गैसेस एज वेल एज नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। सो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट थ्रू अ मीडियम दैट डज नॉट इन्वॉल्व एप्रिशिएबल मोशन ऑफ द मीडियम। ठीक है, ज्यादातर सॉलिड्स में होता है ये। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से ये टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल स्पेस पे आ सकते हैं। द एबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी बॉडी की एबिलिटी हीट को कंडक्ट करने के लिए, हीट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, देखो यहां पर एक फेस, ये सरफेस है ए, ये ए, ठीक है, यहां का जो टेम्परेचर है वो है T1, और यहां पे क्लियरली है T1 बड़ा है T2 से, टेम्परेचर बड़ा है T2 से, तो जो हीट है वो कहां से कहां फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो यहां फ्लो करेगी ऐसे। कंसीडर ए स्लैब, एक स्लैब कंसीडर कर ली जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ए और लेंथ कितनी है एक्स। लेट वन फेस ऑफ द स्लैब बी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1। एक फेस जो है स्लैब का उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, और दूसरे फेस का टेम्परेचर है T2। अब हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, ए से बी में, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया, ये बी फेस है बी, ठीक है, तो ए से बी में फ्लो करेगी वो। ओके, ए से बी में फ्लो करेगी क्यों, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और मैंने बता दिया यहाँ पे जो T1 है वो T2 से बड़ा है, तो बोट फेस एट हाईर टेम्परेचर फ्रॉम फेस एट लोअर टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट इज रीच्ड एंड टेम्परेचर एट एनी पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये फॉर्मूला है इसका। इन सच केस, ऐसे केस में जो ये हीट करंट है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दूसरा टेम्परेचर का डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज ये क्लियर है बिल्कुल साफ साफ कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी इसकी उतना ही कम हीट ट्रांसफर होगा, ये तो क्लियर है। आप चाय बनाओ, आपको बहुत दूर तक देखे आनी, तब तक वो चाय ठंडी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। आफ्टर द लेक्चर आई विल सेंड सम न्यूमेरिकल्स, ओके, सो इस पे आप कर सकते हो।
ठीक है। अब अच्छा वो इसमें केस दे रहा है कि इफ ए बी द क्रॉस सेक्शन, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। अब मान लो जो एरिया है, अभी हमने क्या कंसीडर किया कि ये जो एरिया है ए और बी, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ना हो तो, और इफ द स्टेडी स्टेट कंडीशन आर नॉट रीच्ड, द इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ प्लेस। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दोनों यूनिफॉर्म नहीं है या स्टेडी स्टेट की कंडीशन नहीं आती है, तो हम ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ उस एक पतली सी लेयर ऑफ मटेरियल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पे नहीं होगा। तो उस वक्त जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये डेल्टा के वो अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये डी एक्स, ये डी का मतलब क्या है, ये जो डी वर्ड है ना ये यूज ही हम तभी करते हैं जब छोटा एरिया हो, और यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि कैन ओनली बी अप्लाई टू अ थिन लेयर, और वो थिन लेयर है इसीलिए उसका जो साइज है वो भी कम होगा, डी एक्स होगा। ओके, तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन स्मॉल चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे जो डी टी अपॉन डी एक्स है इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि डी टी अपॉन डी एक्स इज नेगेटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये इसकी यूनिट्स है, ठीक है, कन्वेक्शन। अब इसमें नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, वेन यू लुक एट द फ्लेम फ्रॉम अ कैंडल और मैच स्टिक यू आर वॉचिंग थर्मल एनर्जी बींग ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। जब हम एक फ्लेम को देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ कैंडल और मैच स्टिक में से यू आर वॉचिंग थर्मल एनर्जी बींग ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय कन्वेक्शन, उसमें से जो आपको दिखता है कि जो हीट है वो ऊपर की तरफ निकल रही है। सच एनर्जी ट्रांसफर्स अकर्स व्हेन अ फ्लूइड सच एज एयर और वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो वहां पर कन्वेक्शन है। रेडिएशन लास्ट एंड द फास्टेस्ट मोड ऑफ, फास्टेस्ट मोड है ये, ठीक है। आपका खाना देखो जो ओवन में गर्म करते हो, ओवन में खाना कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, कितनी जल्दी, ठीक है। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांस, ये सबसे फास्ट है ये मेथड, सबसे फास्ट। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट थ्रू अ मीडियम दैट डज नॉट इन्वॉल्व पार्टिकल ऑफ द मीडियम। द थर्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एनवायरमेंट इज वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम घिरे पड़े हैं इन सब चीजों से, ईएम वेव से हम घिरे पड़े हैं आजकल। हम उन्हीं का यूज करके इतनी जल्दी आपका वाईफाई चला रहे हैं, आपका मोबाइल फोन पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब ईएम वेव्स की वजह से ही है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर इन दिस वे इज ऑफन कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू यू बाय दिस मेथड। सन से अर्थ कितनी ज्यादा दूरी पर है लेकिन फिर भी कितनी तेजी से पहुंच जाती है, बिकॉज रेडिएशन मेथड है वहां पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड द डिफरेंस इज नॉट लार्ज, ठीक है। तो अगर हमें कंसीडर कर ले एक हॉट बॉडी को जिसका टेम्परेचर है स्मॉल टी, और उसको हम सराउंडिंग्स में रख दे जिनका टेम्परेचर है क्यू, ठीक, क्यू नोट, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डिफरेंस पे। किस पे डिफरेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डिफरेंस पे। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास लगेगा कॉन्स्टेंट, और ये माइनस माइनस क्यू, जैसे जैसे आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट नेगेटिव हो जाता जा रहा है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमें पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं स्पेसिफिक हीट में, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू थीटा, थीटा यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, डेल्टा टी होता है ना यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, तो डी अपॉन डी टी एम सी थीटा माइनस इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी, सी इज स्पेसिफिक हीट। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, जिसका नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। सिंपल सी डेरिवेशन है, कर सकते हो इसको, ये इसका ग्राफ है। नोट्स, न्यूटन्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट दैट
हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इन एयर, ठीक है। न्यूटन ही एक पहला पर्सन है जिसने ये इन्वेस्टिगेट किया था कि जब एयर से कोई बॉडी पास होती है, बेसिकली जब एयर में कोई बॉडी होती है तो वो हीट लॉस करती है अपना। ही फाउंड दैट रेट ऑफ लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एक्सेस ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग्स। कोई भी अगर गर्म बॉडी है, बेसिकली कोई भी अगर हॉट बॉडी है, तो उसमें से हीट निकलती रहेगी एयर पे, ठीक है। दिस रिजल्ट कार्ल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू इन स्टिल एयर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ इसकी लिमिटेशन भी है। दिस रिजल्ट कार्ल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू। ये बहुत हद तक सही है, लेकिन स्टिल एयर, यहाँ पे एक दो कंडीशन है। एक तो लैब की कंडीशन है बेसिकली कि स्टिल एयर होनी चाहिए, वो हवा बहनी नहीं चाहिए, मूविंग एयर नहीं होनी चाहिए, स्टिल एयर ओनली। उसमें भी कंडीशन है कि ओनली फॉर अ टेम्परेचर एक्सेस ऑफ 20 K to 30 K, 20 केल्विन से 30 केल्विन के बीच में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डील्स मेनली विद द कूलिंग कॉज्ड बाय कन्वेक्शन, बेसिकली कन्वेक्शन के लिए। ऑन अदर हैंड स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है बेसिकली कन्वेक्शन मेथड के लिए ही सुटेबल है, उसको उसके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो अगर हम एक कूलिंग कर्व ड्रा करें, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड टाइम इज नोन एज कूलिंग कर्व। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब हम स्लोप बनाना चाहें। स्लोप क्या होता है? मैं अगर यहां पर स्लोप बनाऊंगा तो ऐसे, ठीक है, पर्टिकुलर स्लोप बन गया। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा मैंने बताया आपको, टेंजेंट थीटा। और क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कभी भी अगर आपने स्लोप निकालना है, स्लोप के लिए हमेशा क्या निकालोगे आप? टेंजेंट थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड किचॉफ्स लॉ, लास्ट टॉपिक से हमारे बस, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट। अ बॉडी दैट इज गुड रेडिएटर, एक बॉडी जो कि गुड रेडिएटर है वो गुड एब्जॉर्बर भी होगी। अ बॉडी विच इज गुड रेडिएटर इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर। जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, वो गुड रेडिएटर भी है, वो हीट को छोड़ती भी है और हीट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करती है। इसीलिए सर्दियों में या गर्मियों में अगर आप ब्लैक क्लोथ्स पहनोगे तो उसमें ज्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज इट इज अ गुड रेडिएटर एंड ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर। सपोज आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, थर्मल रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, ठीक है। लेट ए, अब कुछ रेडिएशन को इंसिडेंट किया गया बॉडी को, ठीक है। तो ध्यान से, तीन इफेक्ट होते हैं। मान लो उस रेडिएशन का एक फ्रिक्शन, एक हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया, एक हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। द रिमेनिंग फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड, तो पहला हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ और दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। द डायमेंशनलेस नंबर ए इज कॉल्ड एब्जोर्बिटी, इस ए को हम बोलेंगे एब्जोर्बिटी, उस बॉडी की एब्जोर्ब करने की शक्ति बेसिकली, और रिफ्लेक्ट करने की या ट्रांसमिट करने की पावर को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ठीक है। अ सब्सटेंस हुज एब्जोर्बिटी इज यूनिटी, ए इज इक्वल टू वन, इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। तो बस ध्यान रखो कि ये है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे रेडिएशन डालेंगे तो वो पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी वो पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए बोलते हैं सब्सटेंस हुज एब्जॉर्बिटी इज यूनिटी वन, मतलब जो पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, और ऐसा तो होता ही नहीं परफेक्ट, ठीक है, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लैंप ब्लैक इज एन एग्जाम्पल, बट नो सब्सटेंस इन प्रैक्टिस इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने बता दिया कि नोशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन, ठीक है। अ होलो एनक्लोजर मेंटेन एट इट्स यूनिफॉर्म टेम्परेचर विद अ स्मॉल ओपनिंग कंपेयर टू इट्स साइज एंड कॉनिकल प्रोजेक्शन एज शोन इन द फिगर इज एन अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। उसको हम मान सकते हैं कि अगर हम एक होलो एनक्लोजर, एक खोखला एनक्लोजर लें जिसको हमने यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर मेंटेन कर रखा है, और जिसमें से हमने बिल्कुल छोटी सी एक होल बना दिया, ओपनिंग बना दी है, उसके साइज के हिसाब से हमने बहुत छोटी सी एक ओपनिंग बना दी, एंड अ कॉनिकल प्रोजेक्शन एज शोन इन द फिगर इज एन अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी, तो हम उसे ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, ठीक है।
ध्यान से देखो डायग्राम में, ये है डायग्राम, ये है वो बॉडी, हम इसको मान सकते हैं परफेक्टली ब्लैक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके तो बिल्कुल देखो इसका साइज कितना बड़ा है, अंदर से खोखला भी है और यहाँ बिल्कुल पतली सी ये ओपनिंग है, बिल्कुल पतली सी, यहां से हीट आ सकती है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको बोल रहे हैं, अ कैविटी विद वॉल्स मेड अप ऑफ एनी मटेरियल विद अ स्मॉल ओपनिंग इज एन एक्सीलेंट ब्लैक बॉडी, दिस इज फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी साइंटिस्ट का नाम है ऑफकोर्स। ठीक है, कंसिडर अ होलो एनक्लोजर, एक हमने होलो एनक्लोजर ले लिया जिसकी जो वॉल्स हैं उसको हमने फिक्स टेम्परेचर पे, यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी पे मेंटेन कर रखा है। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। बेसिकली द एनक्लोजर इज फिल्ड विथ थर्मल रेडिएशन, जो एनक्लोजर है उसको हमने थर्मल रेडिएशन से फिल कर दिया। लेट कैपिटल आई बी द एनर्जी पर यूनिट टाइम फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस इन द एनक्लोजर, हमने मान लिया कि एनर्जी आई, ठीक है, पर यूनिट टाइम जो कि इस सरफेस पे, इमेजिनरी सरफेस, यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है, इमेजिनरी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इन द एनक्लोजर। आई इज कॉल्ड इरेडियंस इन द क्लोजर एनक्लोजर, इमेजिन नाउ दैट अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर टी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एनक्लोजर। अब हम मान लें कि इस एनक्लोजर के अंदर अगर हम एक ब्लैक बॉडी को इंट्रोड्यूस करवा दें जिसका टेम्परेचर भी टी है, द बॉडी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है बड़ी वाली और एक है छोटी वाली, दो बॉडीज हैं। ठीक है, पहले तो एक ही बॉडी थी, उसके अंदर हमने एक और बॉडी रख दी और दोनों का जो टेम्परेचर है वो है टी, कैपिटल टी, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। आपने पढ़ रखा है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है तो आपको ये पता होगा जीरोथ लॉ क्या होता है, कि अगर दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे है तो उनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, दैट इज द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एब्जॉर्ब बाय इट। तो अगर वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितना इससे रेडिएंट एनर्जी निकलेगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया उतना ही इससे भी निकलेगी। ये वन मान लो, ये टू मान लो, टू वन के अंदर है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, दैट इज EB is equal to AB. EB is equal to AB is equal to, ठीक है, तो AB ब्लैक बॉडी के लिए वन होता है क्योंकि वो पूरी की पूरी जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस अ नॉन ब्लैक बॉडी जिसका एब्जॉर्प्शन कम होता है एक से एट द टेम्परेचर टी इनसाइड द एनक्लोजर। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक ब्लैक बॉडी को ही इंट्रोड्यूस करा दिया एक ब्लैक बॉडी के अंदर, अब हमने नॉन ब्लैक बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाना है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, E इज इक्वल टू ए आई, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया E इज इक्वल टू ए बी, वेयर E इज द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एमिटेड बाय द नॉन ब्लैक बॉडी। It follows from equation number one that E is equal to AEB, equation number three. But in terms of emissivity, emissivity क्या होता है? Absorbity क्या होता है? Absorb करने की power, emissivity release करने की, radiate करने की power. ठीक है? तो E is equal to E, यहाँ पे E emissivity के लिए लगा है, EB. तो which shows A is equal to E. A क्या है? Absorbity. E क्या है? Emissivity. तो यहाँ से क्या proof होता है? Absorbability of a body equals to its emissivity. This is known as Kirchhoff law. तो यही तो बोलना चाह रहे हैं कि एक जो perfect emitter होगा वो perfect absorber भी होगा, because emissivity is equal to absorptivity. ठीक है, तो यही है, यहां से प्रूफ होता है, thus a good absorber is a good emitter. जो good absorber है वो good emitter भी होगा, since a good absorber is a poor reflector. क्योंकि वो कुछ भी एनर्जी जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट पड़ रही है वो पूरे के पूरे को एब्जॉर्ब कर रहा है, जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। अ बॉडीज एबिलिटी टू इमिट इज अपोजिटली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, अ गुड एमिटर इज अ पुअर रिफ्लेक्टर। तो ध्यान रखना, एक गुड एब्जॉर्बर भी गुड एमिटर होता है, लेकिन एक जो गुड एमिटर होता है वो पुअर रिफ्लेक्टर होता है, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्ट किससे करे, किसी को भी नहीं कर पाएगा।
अ ब्लैक बॉडी इज बोथ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। बार बार ये बात बोल रहा हूं, वी सॉ अर्ली दैट द ओपनिंग ऑफ अ होलो एनक्लोजर इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, वी नाउ सी दैट इट इज अ परफेक्ट एमिटर ऑल्सो। थर्मल रेडिएशन इन साइड अ होलो एनक्लोजर इज दस द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। को सिंपली पढ़ना है तो वो यही है कि जो एनर्जी रेडिएटेड होती है पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जब हम इसको हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। दैट्स इट, आप इतना भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन है। नेक्स्ट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस वेवलेंथ लैम्डा एम ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो कह रहा है कि जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है ऑफ एमिशन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यहां से लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। अच्छा, जब इसको हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी। तो इसके लिए जो कॉन्स्टेंट है वो है बी। ठीक है, तो लेमडा एम इज इक्वल टू बी बाय टी। और बी क्या है कॉन्स्टेंट, बी इज इक्वल टू लेमडा एम टी। ठीक है, और ये याद रखनी है आपने वैल्यू, वीन्स कॉन्स्टेंट, बी इज वीन्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 3 × 10⁻³ मीटर कैलोरी। यहाँ पे देखो लेमडा मीटर, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। ल्यूमर एंड पिग्जिम कंफर्म थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट फॉर अ ब्लैक बॉडी विद राइज इन टेम्परेचर। इसने तो ला दे दिया वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला दे दिया, लेकिन ये दो साइंटिस्ट थे ल्यूमर एंड पिग्जिम, ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि ये बिल्कुल सही। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हमारा सिलेबस था। अच्छा, इसमें एक था ग्रीन हाउस इफेक्ट ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पढ़ना है आपने, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू ऑल।